फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो अभी मैं आती हूँ आप लोगों से बातें करने। क्या इससे तो बस एक ही काम है। क्या काम है तुम्हारा? एक ही काम है। क्या काम है? साइकिल चलाना है ना। साइकिल चला, साइकिल से तुम आज कितनी बार गिरा? कितना बार गिरा? चार बार। और आज ये ना, ये क्या किया था ना, पूरे फेस पे ना काजल लगा लिया था इसने, तो मैंने इसका काजल जो साफ किया, मैंने भूत बन गया था ना। भूत कैसे करता है? भूत 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 कैसे मुंह करता है? भूत का मुंह करके दिखा दो, तो इधर करके दिखा दो। अच्छा, आँख कैसे करते हैं भूत वाला? आँख कैसे? और कैसे करते हैं? तो ये ना बहुत मस्ती खो रही है, इसी तरह मस्ती करता है। और मेरी और ना ये ना परसों गिर गया था ना, तो उसके आँख पे ना चोट लग गई थी। और मेरी बिटिया भी यही है, तो मैं आपको अपनी बिटिया को भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी बेटी। और हेलो बोलो। हेलो। ये देखिए गिरा है। ये बार बार साइकिल से ही गिर जाता है। चार बार गिर चुका है। क्या धीरे से गिरा था, जोर से नहीं गिरा। और ये बच्चे लोग ना मेरा घर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना तो काफ़ी घर को गंदा कर देते हैं। तो बाबू खाना खा लिया है और अभी पीहू खाना नहीं खाई है, क्योंकि मम्मी का इसे रोज़ आजकल मेरे हाथ से खाना है। तो बच्चों के भी ना अलग अलग अजीब अजीब सी फरमाइश होती है। तो आज मैं फिर से इसको खिला रही हूँ और बस आज लास्ट खिलाऊँगी, क्योंकि फिर पता नहीं इसे रोज़ मन कर रहा है आजकल खाने का। और ये देखिए वो साइकिल चल गया चलाने, खा लिया उसने साइकिल। तो चलिए हम लोग कुछ बोलो। हाय हेलो पूछो, सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? आए तो यहाँ पे ना हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड कहते थोड़ा सा सामान लाने के लिए, ये तो कुछ थोड़ी सा सामान है, तो मैं इनको अच्छे से पहले सैनिटाइज करके साफ करके रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, तो उनको मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ छत पे और देखिए मौसम काफ़ी अच्छा किया हुआ है, काफ़ी अच्छी जो हवा वगैरह जो चल रही है देखिए। और अभी ना 3:30 बज रहा है, पर मौसम काफ़ी अच्छा है। आमों को देख लीजिए। मैं ना कुछ नहीं, बस यूँ ही जो मौसम अच्छा किया हुआ है, तो मैं बस यूँ ही घूमने के लिए आई थी, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे मौसम पे छत पे आना। और देखिए आम, तो पता नहीं मुझे भी आम, अब तो आम बिक रहे हैं, तो आम का अचार डालना होता है, तो आम का अचार मुझे भी डालना है, पर अभी हस्बैंड ला नहीं दे रहे हैं। तो देखती हूँ सर डाल पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि घर पे अगर रहता है ना तो अच्छा होता है। तो देखती हूँ कि इस बार आम का अचार बना पाती हूँ कि नहीं। और मौसम सच में बहुत अच्छा किया हुआ है, तो अगर आम का अचार बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, और लॉकडाउन वगैरह भी है, तो घर में बैठे हुए हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है ना बोलना, तो इसलिए देखती हूँ क्या होता है, बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे साथ भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए चिड़िया सब जो है वो बोल रही है, कितना अच्छा लगता है ना।
और उधर से ना कोयल की भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों को जा रही है कि नहीं, कोयल की आवाज़ आ रही है। मुर्गी पीछे हमारे ना मुर्गियाँ सब रहती है, उनकी आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है आवाज़ सुन कर के। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे और उसके फिर बाद आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं करूँगी चूड़ा फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में प्याज मिर्च और यहाँ पे मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो और यहाँ पे चूड़ा रखा हुआ और बादाम को ना मैंने पहले से फ्राई कर लिया हूँ, बादाम को बाद में चूड़ा भूजने के बाद मिक्स करते हैं। तो ये देखिए भूजा बादाम को मैंने फ्राई कर ली हूँ और यहाँ पे ना चूड़ा मैं डालूँगी। तो अभी प्याज लाल हो जाए तब, तो ये देखिए प्याज लाल हो चुकी थी और ये देखिए मैंने चूड़ा भूज लिया। चूड़ा भूजने के बाद लास्ट में मैं उतारने से पहले 2 मिनट पहले मैंने ना बादाम को डाली, और फिर मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं और हल्दी भी डालते हैं बहुत लोग, बट मैं बहुत सिंपल से इसी तरह बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस मेरा चूड़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। फ्रेंड्स, शाम का समय है और अभी मैंने चूड़ा जो फ्राई किया, तो चूड़ा देखिए खा के खुल के पटक दिए हैं ना, खा लिए ना, कैसा लगा? अच्छा लगा खाने में। जैसे सब अब शाम को लोगों का नाश्ता होगा, ये भी घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, और ये भी लोग का क्या बोले इसको, हाथ बटाना है। ये भी घर से बाहर तो निकलना नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम है। आपको खाना बनाना आता है? आता कितना झूठ बोलता है, आज तक तो कभी नहीं बनाए हैं। तो मायके चले जाती है तब तो बनाते हैं खाना, तो मायके चले जाते हैं तब तो बनाते हैं, ऐसे तो आप कभी नहीं बनाते। बात तो बराबर ना पड़ा, ऐसे कभी नहीं बनाते। और अभी बारिश भी होने वाली है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, मौसम सच में बहुत ख़राब कर रहा है, तो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स भी हो रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हम अपना ध्यान रखते हैं, है ना, घर में ही रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। तो बोलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय सबको।